हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें ब्लैक बियर्ड और लॉ को आमने सामने दिखाया गया है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले ही बता दूं, दिस वीडियो कंटेन्स स्पॉइलर। सो हमारे वन पीस के चैप्टर 1063 का टाइटल है माई ओनली फैमिली, जो बॉनी के बॉन्ड को दिखाता है उसके फादर कुमा के साथ। चैप्टर के कवर पेज में हमें दिखाते हैं कि क्रैकर जमा हुआ होता है और ब्रूले रो रही होती है क्योंकि पुडिंग को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। इतनी बर्फ देख के तो हमें एक ही एक्सप्लेनेशन मिलता है कि ये काम आउकी जी का हो सकता है, पर आउकी जी ऐसा क्यों करना चाहेगा। इसके बाद हमें लूफी के ग्रुप को दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो लोग पंख 05 यानी कि एटलस से बात कर रहे होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाते हैं कि लूफी और उसका ग्रुप अपने कपड़े चेंज करता है एक मशीन से और एक फ्यूचरिस्टिक कपड़े पहन लेता है। और जिम्बे भी हवाईयन क्लोथ में हमें दिखता है जो कि बहुत ज्यादा कूल लगता है। और उसके बाद वो लोग एक पुलिस रोबोट से मिलते हैं जो कि कुमा की तरह दिखता है, पर वो गोल सनग्लासेस पहनता है, उसके रोबोटिक शोल्डर्स हैं। तो कुमा उन्हें देख के उन पे अटैक कर देता है, तो लूफी भी उस पे वापस अटैक करने की कोशिश करता है पर बॉनी उसे रोक लेती है। बॉनी कहती है कि उसके असली फादर और एकमात्र फैमिली बस कुमा ही है। और इसके बाद फ्लैशबैक में जब बॉनी छोटी होती है तो कुमा और बॉनी को दिखाते हैं जिसमें कुमा ने बॉनी को पकड़ रखा होता है। इसके बाद हमें बाकी स्ट्रॉइड्स के बारे में तो इस चैप्टर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, पर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि लॉ और ब्लैकबियर्ड आमने सामने हैं। ब्लैकबियर्ड अपने क्रू मेंबर्स जीसस बर्जिस, वैन ऑगर, डॉग क्यू और स्ट्रॉन्गर के साथ है और इन सबके पास डेल फ्रूट एबिलिटीज होती है। जीसस बर्जिस के पास रिकी रिकी नोमी है जो उसे अबनॉर्मल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। डॉग क्यू के पास शिकू शिकू नोमी है जो लोगों में सिकनेस इन्फेक्ट करता है। वैन ऑगर के पास वापू वापू नोमी है जो लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है। और स्ट्रॉन्गर के पास उमा उमा नोमी है जो कि एक मिथिकल जोन टाइप डेवल फ्रूट होता है जिसका मॉडल पेगासस है। तो हमें दिखाते हैं कि वो सब मिलके लॉ के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर लॉ वहाँ से बच के एक आइलैंड पे चले जाता है जिसके बाद वैन एगर बर्जिस को टेलीपोर्ट करके वहाँ भेज देता है। और हमें दिखाते हैं कि बर्जिस अपनी स्ट्रेंथ से पूरा एक माउंटेन उठा देता है और उसके बाद लॉ के ऊपर फेंक देता है। और उसके बाद बाकी के मेंबर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद डॉग क्यू अपनी पावर से लॉ को एक लड़की में कन्वर्ट कर देता है, पर ये कन्वर्जन थोड़ी देर के लिए ही रह पाता है क्योंकि लॉ अपने आप को वापस कन्वर्ट कर लेता है। और फिर वो कहता है कि रिसेंट बैटल से मैंने बहुत कुछ सीखा है और कहता है कि स्ट्रॉन्ग हॉकी की मदद से हम डेविल फ्रूट की एबिलिटी को नलीफाई कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिवील है इस चैप्टर में। इससे हमें पता चलता है कि क्यों रॉजर और शेंक्स विदाउट डेविल फ्रूट भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए हैं। और इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ब्लैकबियर्ड लॉ के सामने आ जाता है और हमें दिखाते हैं कि ब्लैकबियर्ड पहले सोच रहा होता है कि लूफी, लॉ और किड में से कौन वाहन उसे पहले निकलेगा जिसे वो मिलेगा, पर उसे बाकी दोनों नाम मिलके लॉ मिलता है। जिसके बाद ब्लैकबियर्ड लॉ से कहता है कि काइडो के पास भी एक रोड पोनोग्लिफ होगा और मैं तुमसे वही लेने आया हूं। और फिर हमें दिखाते हैं कि ब्लैकबियर्ड और लॉ बैटल के लिए रेडी होते हैं और लॉ कहता है कि तैयार हो जाओ, विनर जो होगा उसे ही रोड पोनोग्लिफ मिलेगा। और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है इस फाइट का कंक्लूजन क्या होगा? क्या लॉ इस फाइट से जिंदा बच पाएगा? जैसे जैसे हम न्यू चैप्टर्स के क्लोज आते जा रहे हैं वैसे वैसे सस्पेंस बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको पूरे चैप्टर की समरी के साथ फ्राइडे 14 अक्टूबर को। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए सायोनारा।